हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि वॉट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिसरिगार्डिंग देयर रेस, कास्ट, डिसेबिलिटी, कलर और जेंडर एसेट्रा। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन एजुकेशन सिस्टम वेयर ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर इन रिस्पेक्टिव ऑफ एवरी डिफरेंसेस टू प्रोवाइड ऑल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी चिल्ड्रन एट ऑल लेवल्स। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स स्टूडेंट्स एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट्स लर्न वाइल शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस एंड इंटरेक्टिंग सोशली एंड एकेडमिकली। क्या होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन उसको कहते हैं कि जहाँ पर एक ही स्कूल में हर तरह के बच्चे जो है आते हैं और वहाँ पर जो है एजुकेशन जो है वहाँ पर उनको दी जाती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को जो है ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है या फिर लर्निंग लर्निंग में कुछ उसको डिफ़िकल्टी होती है तो उसको जो है स्पेशल स्कूल में भेज दिया, ऐसा नहीं है। एक ही एनवायरनमेंट में एक ही जगह पर रह के वो जो है क्या करते हैं कि एजुकेशन जो है प्राप्त करते हैं और उसके अलावा जो है उनके अंदर जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो उसी एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पर बाकी सारे नॉर्मल बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद ये है नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है। ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर। चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिवैल्यूड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई बींग एक्सक्लूडेड और सेंट अवे बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफिकल्टी। ठीक है, देर इज़ नो लेजिटिमेट रीज़न टू सेपरेट चिल्ड्रेन फॉर देयर एजुकेशन। चिल्ड्रेन बिलोंग्स देयर टुगेदर विथ एडवांटेजेस एंड बेनिफिट फॉर एवरी वन। दे डू नॉट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। है ना, एक दूसरे से उनको दूर करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बने ही हैं ताकि वो जो है एक जगह एक समानता के साथ जो है वो एजुकेशन जो है वो ले सकें। रिसर्च शोज चिल्ड्रेन डू बेटर एकेडमिकली एंड सोशली इन इंटीग्रेटेड सेटिंग। और एक जगह जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर डेवलपमेंट क्या है और अच्छी तरह से होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है नीड्स हैं। ओनली इंक्लूजन हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस फेयर एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसी वजह से जो है अगर इंक्लूजन होगा तभी जो है जो बच्चे जो है किसी भी तरह के उनको प्रॉब्लम है तो उनके अंदर से डर ख़त्म होगा, वो बाकी लोगों से दोस्ती करेंगे, उनके अंदर जो है एक जो है रिस्पेक्ट उसके अंदर आएगा और कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा नीड्स है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड, स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ चाइल्ड। जिस तरह की नीड हो उस तरह से स्कूल को क्या करना चाहिए, अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन एट ऑल लेवल बेनिफिट स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स एंड देयर पीयर्स। ईच स्टूडेंट इज यूनिक एंड नीड्स एन इंडिविजुअलाइज अप्रोच टू एजुकेशन टू मीट हिज और हर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एंड करियर डेवलपमेंट गोल्स। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल लाइफ इज वाइटल टू अ रिच एजुकेशन एक्सपीरियंस। इस्टेब्लिश ओपन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, केयरर्स एंड कम्युनिटी टू इम्प्रूव एसेस टू प्रोग्राम, फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज। Gives all students opportunity to demonstrate and communicate their knowledge, understanding and skill. ये क्या है principles of inclusive education है। इसके बाद उसके aims क्या क्या है inclusive education के। Recognizing education for all children as a fundamental rights to ensure the inclusion of children and youth with disability in all available mainstream educational setting. By providing them with a learning environment that is available, accessible, affordable and appropriate to help develop their learning and abilities. To ensure that no child is denied admission in mainstream education. किसी को किसी भी तरह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
इसके बाद ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। टू फैसिलिटेट एसेस ऑफ गर्ल्स विद डिसेबिलिटी एंड डिसेबल स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एंड रिमोट एरिया टू गवर्नमेंट हॉस्टल्स। टू प्रोवाइड फॉर होम बेस्ड लर्निंग फॉर पर्सन विद सीवियर मल्टीपल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टू प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन फॉर दोज हु रिक्वायर एन इंडिविजुअलाइज स्पेस फॉर पेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसके बाद क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके बाद आता है पीयर ट्यूटरिंग। क्या होता है कि लोग आपस में पीर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके साथ बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा है मल्टी सेंसरी टीचिंग, जिसमें अलग अलग तरह के सेंस जो है वो काम करते हैं। किसी के अंदर किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी, हेयरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके अदर सेंसेस जो है काम करेंगे। तो किस तरह से मल्टी सेंसरी लर्निंग जो है जो हेल्प करती है बच्चों को। इसके अलावा यहाँ पर है रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। एक टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। कोऑर्डिनेटिंग द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट सर्विस फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, तो ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक टीचर की। इसके अलावा यहाँ पर है आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है प्रमोट करने के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 31 एंड 2। इसके अलावा कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये सारे कुछ स्कीम्स है जो किसको प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। थैंक यू सो मच।